क्वेश्चन नंबर एट, एक्सरसाइज 6.3, क्लास 10th मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों जरूर करेगा। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरोग्राम बना लेते हैं। ये पैरोग्राम हो गया ए बी सी डी। पैरोग्राम क्या होता है? इसकी पैरोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? दोनों पैर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस होती हैं जिनके आपस में कितने बढ़ाते रहो वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। और इनके जो एडजस्टेड एंगल होते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है ना, इतना आपको पता ही होगा। इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी, ए जो है पॉइंट का साइन ए डी प्रोड्यूस टू ए पैरोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी ई, बी से कोई ई जाएगी यानी यहाँ का पॉइंट ई होगा, इंटरसेक्ट सी डी, सी डी को इंटरसेक्ट करता है एफ में, तो यहाँ कोई पॉइंट ई होगा और ये इससे जाके मिलेगी और ये पॉइंट क्या होगा? एफ होगा। ठीक है, शो डैट ट्राइंगल ए बी ई, क्या करना है? तो हम सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, अब इसमें क्या है, हमें सिर्फ एंगल सी इक्वली प्रूफ करने हैं और कोई कुछ प्रूफ नहीं करना है। ठीक है ना, साइड्स मैच कर नहीं सकते हम प्रूफ, क्योंकि छोटी छोटी साइड्स हैं, कोई प्रोपोर्शन में हमें दे नहीं रखी है। ठीक है ना, इसमें इस ट्राइंगल क्या है? ए बी ई, ए बी ई का मतलब एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से बता रहा है, एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। और एंगल ई किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। तो सबसे पहले एंगल ए और सी को देखो, कहाँ है एंगल ए? एंगल ए ये रहा, एंगल सी ये रहा। ठीक है, कौन से ट्राइंगल में? ए बी, ए बी इस बड़े ट्राइंगल में, और ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी इस छोटे ट्राइंगल में। ठीक है ना, अब कौन सा एंगल किसके साइड इक्वल प्रूफ करा जाए, इसकी टेंशन छोड़ के यहाँ से देखो। ये बताता है जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, जो सिमिलरिटी प्रूफ करनी है वही हमें बताएगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर। एंगल ए एंगल सी के बराबर, क्या एंगल ए एंगल सी के बराबर है? हाँ, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, क्योंकि पैरोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, पैरोग्राम ऐसे भी लिखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब एंगल बी पे पहुंचो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल बी ये वाला छोटा वाला, ये एंगल बी, इस ट्राइंगल में एंगल बी है। ठीक है ना, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई में ये वाला एंगल बी है। ए बी ई में कौन सा है? ये वाला भी एंगल बी है, ये एंगल बी है, ए बी ई। ठीक है ना, हम क्या ले रहे हैं? ए बी ई, ए बी ई में एंगल बी कौन सा? ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल बी है, ए बी में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल एफ कौन सा है? सी एफ बी, सी एफ बी क्या इसके इक्वल है? नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करिए, अल्टरनेटिव एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। ये भी हमें पता चलेगा ए बी ई, ए बी ई कहाँ से लिखना है? यहीं से, ए बी ई एंगल ये वो बी ले रहे थे, ए बी ई और सी एफ बी, सी एफ बी ये एंगल एफ कैसे लिखना चाहिएगा? सी एफ बी लिखना, क्योंकि एंगल बी ये वाला भी, एंगल बी ये वाला भी। ठीक है ना, तो ए बी ई, ए बी इससे बताया, सी एफ बी रीजन क्या बताया था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी लिख सकते हैं एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
ठीक है ना, अल्टरनेट रे। अब एंगल ई, एंगल ई कौन सा है, ये वाला ए ई बी, और एंगल बी, ठीक है ना, एंगल बी, एंगल बी कौन सा है इसमें, इस वाले में, एंगल बी कौन सा है ये वाले में, इस वाले और इस वाले में आपस में कोई जोड़ भी नहीं बन रहा है तो इसे हम छोड़ देंगे, दो ही से हमारे ये प्रूफ हो जाता है। सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ओके, थैंक यू वेरी मच।